फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमको फाइंड करना है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर। पॉजिटिव मतलब प्लस में होना चाहिए, कंसेक्यूटिव मतलब क्रम से, लाइन से। ठीक है, बताता हूँ मैं। तो पॉजिटिव मतलब प्लस में, कंसेक्यूटिव मतलब क्रम से। ठीक है, तो लेट, हाँ लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नंबर बी एक्स एक्स देन। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट की वजह से ऐसा मैं सेकंड ले लिया, फिर ऐसी स्पेलिंग लिख सकते, सेकंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, विल बी एक्स प्लस वन। क्यों? क्योंकि पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस वन, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला क्वेश्चन में ना, कंसेक्यूटिव बोला इसलिए। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम है वो 365 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाले का स्क्वायर ये एक्स का प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये दूसरा है, दोनों का टोटल कितना होगा 365 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी हम स्क्वायर रूट मेथड में इससे हम लोग ये कर रहे थे, आज हम लोग इससे ये करेंगे, इससे स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब टू एक्स है ना, तो ए और बी की जगह आएगा, ए की जगह आएगा एक्स और बी की जगह आएगा वन, ए और बी टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर इक्वल टू 365, थ्री सिक्स और ये फाइव। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर ऐड हो गया ना, हाँ यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, ये वन और वन हो गया टू, टू एक्स वन है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं साइन, तो टू वन जा टू एक्स, टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर होता है वन इक्वल टू 365। 365 को इधर ले आओ डिवाइड, यहाँ पावर में एक्स स्क्वायर है और कहीं है, सेम सेम, देखो बेस सेम होता है और पावर भी सेम होता है तो ऐड हो जाता है, बेस सेम है पर पावर सेम नहीं है तो इसलिए ऐड नहीं होगा, एज इट इज आएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स प्लस वन, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 365 इक्वल टू हो जाएगा मेरा जीरो। ठीक है, ये तो एक्स एक्स वाला था, वेरिएबल वाला ये है ना, कॉन्स्टेंट वाला ये, अलग अलग एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, इसमें इसको माइनस तो माइनस 364 आएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारा माइनस में, इसलिए माइनस अलग अलग साइन इसलिए घट गया। ठीक है, घटा दिए हम लोग, अब इसके टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ भी हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या है, सब सब इवन नंबर है, तो दो से कट जाता है। ठीक है, इसलिए काट रहे ताकि वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो दो से भाग देते हैं, डिवाइड बाय टू, दो से भाग दे दिए हम लोग, डिवाइड कर दिए तो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको दो से डिवाइड करूंगा तो, इसको डिवाइड करूँ तो एक्स, इसको डिवाइड करूँ तो इधर आएगा वन, टू एट ज़ा टू टू इक्वल टू जीरो, और कट रहा है यहाँ पर डिजिट ही नहीं है तो कटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद गुणनखंड विधि से बनाता हूँ मैं, गुणनखंड विधि से, स्प्लिट वाले मेथड से, कैसे बनाते हैं स्प्लिट वाले मेथड बताता हूँ। ठीक है,
इधर का ये कहाँ वन और ये 182, इसको लेते हैं ऐसे वन, अरे माइनस 182, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरा आएगा माइनस 182 आ जाएगा। अब बीच वाले को तोड़ना है, बीच वाला क्या है मेरा पास कुछ नहीं मतलब प्लस वन है, ठीक है, मुझे ऐसे तोड़ना है कि मेरा आंसर माइनस में होना चाहिए। जब ये आंसर माइनस में होता है ना, ये इधर वाला माइनस में, इधर वाला जब माइनस में होता है तो ऐसा आता है, ये बढ़ते जाएगा, इससे बढ़ेगा 2 + 2 + 3 ऐसा करके, इधर प्लस माइनस 1 - 2 करके, 2 1 = 2, 3 2 = 6, बहुत दूर है अभी, ठीक है, एक एक का डिफरेंस है, तो सीधा लेता हूँ 10 + 10 है ना, +10 और इधर -9, 10 9 = 90, अभी भी बहुत दूर है, ठीक है, तो ट्राई करता हूँ मैं, 2 है ना, तो 3 2 = 6, तो ये हो सकता है 4 3 = 12, तो ट्राई करता हूँ मैं इधर 14 और इधर 13, ट्राई करके देखता हूँ, ठीक है, 14 3 = 42, कैरी 4, 14 1 = 14 और 2 4 = 82 आ गया, मतलब इसमें इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ से 4 बढ़ा तो यहाँ से भी 4 बढ़ा है, एक एक का डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एक है इसलिए। तो ये वन को मैं तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, इस वन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ 14 और 13 में, इसमें से अगर इसमें इसको माइनस करूँ मेरा वापस प्लस वन आएगा, अब मल्टीप्लाई करो तो 182 आ रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे 182 आया था इसीलिए, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 182 आया था, इसलिए बीच वाला भी तोड़ने से मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया ये, सीधा यहाँ पे हमारा प्लस 14 माइनस 13 है, तो सीधा प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है, अब हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही 2 है, यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो दोनों से मैं एक एक ले सकता हूँ, यहाँ से भी एक ले सकता हूँ, यहाँ से भी मैं एक ले सकता हूँ, अगर यहाँ से मैं x 1 ठो लूँ तो एक बचेगा, बस यहाँ से सिंगल x निकाल दूँ तो यहाँ पे मेरे पास प्लस 14 बचेगा, यहाँ पे x प्लस 14 है तो यहाँ पे भी मेरे पास x प्लस 14 आएगा, कैसे आएगा बताता हूँ, ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, x यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया मेरा 13, 13 का x से मल्टीप्लाई करो तो 13x आएगा, माइनस 13 का इससे मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो वापस यही आ जाएगा, हमको इससे मैं स्प्लिट किया हुआ लगा, ठीक है, 13 इधर लेके ये x आ गया, ठीक, 13 बाहर है और x अंदर चला गया, अभी x प्लस 14 कॉमन है तो ये आ गया x + 14, ये जगह x - 13 इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 0, अब उसको दो पार्ट में आपको बनाने तो आता ही है, ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक लेते x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0, तो प्लस 14 हो जाएगा क्या हो जाएगा -14, -13 हो जाएगा +13, तो -14 वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमको पॉजिटिव नंबर वाला था, ठीक है, तो -14 एक्स इक्वल टू -14, -14 जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर जो होता है जो प्लस में होता है, ठीक है, बिकॉज नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव नंबर, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है, अगर x है ना तो फर्स्ट नंबर हमारा जो है x इज इक्वल टू 13, सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा, x + 1 बोला था ना, x की वैल्यू 13 है तो 13 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 14, ठीक है, हमारा जो दो आंसर आया था -14 और 13, तो 13 के हिसाब से 13 + 1 के तो 14 आ गया हमारा, ठीक है, तो लास्ट में फाइनल आंसर देते हैं, हेंस 2 कंसेक्यूटिव
पॉजिटिव नेचुरल नंबर नंबर्स आर 13 एंड 14 कंप्लीट द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई गुणा ना ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 20 फाइंड द नंबर्स दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो लेट द फर्स्ट लेट द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है ना नंबर इज इक्वल टू x फर्स्ट वाला क्या हमारा x है देन द सेकंड कंसेक्यूटिव सेम स्टेटमेंट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर b ठीक है एक्स प्लस वन बी अरे विल बी ऐसे करके था चलो ठीक है ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है हमारा सेकेंड वाला का जो ये दोनों का प्रोडक्ट है ना ये दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए ठीक है एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करता है एक्स स्क्वायर इसका इसके साथ किया तो अब इसका एक से करूंगा तो एक्स हो गया ये 20 का 20 अब 20 को इधर भेज दो आप ठीक है अभी 20 को इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 20 इधर आया तो माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0 ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अब स्प्लिट करते हैं यहाँ क्वेश्चन मतलब 1 है ये माइनस 20 है ठीक है फिर देखना 1 और माइनस 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 20 आएगा मेरे पास क्या है यहाँ पे प्लस 1 है मेरे पास यहाँ क्या है बीच वाले में प्लस 1 है ठीक है अब मुझे माइनस में चाहिए आंसर मल्टीप्लाई माइनस में चाहिए तो बड़ा होता जाएगा यहाँ प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसा जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो जगह 2 बन जाओ माइनस 2 आया 3 2 जा 6 माइनस में 4 3 तो माइनस 2 है अभी भी कम है प्लस 5 माइनस 4 5 4 दा 20 आ गया तो प्लस 5 माइनस 4 टूटेगा ये ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 ठीक है अब यहाँ x है 2 टाइम्स यहाँ x है वन टाइम हाँ. तो वन टाइम में ले सकता हूँ मुझे दोनों से सेम लेना है इसके बाद टू टाइम से इसके पास वन टाइम है तो वन टाइम ले सकता हूँ मैं एक्स वन टाइम कॉमन बाहर लिया मैंने यहाँ दो बार है एक मैंने ले लिया तो एक बचा सेम ऐसे यहाँ पे वन टाइम एक्स को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचे मेरे पास प्लस 5 हाँ. ठीक एक बार और थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ एक्स हमारे यहाँ पे एक्स हमारे पास यहाँ टू टाइम्स है ना एक्स की पावर 2 है मतलब डबल एक्स है सिंगल एक्स को यहाँ लिख देते एक्स यहाँ बच गया ठीक है वैसे सिंगल एक्स यहाँ से निकाल देते हैं 5 बज गया ठीक है अभी माइनस 4 का माइनस 4 ठीक है यहाँ पे क्या आएगा जी सेम है एक्स प्लस 5 वही एक्स प्लस 5 आ जाएगा चेक करते हैं क्या ये सही है माइनस 4 का मैं एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 4 एक्स 4 5 था 20 माइनस प्लस माइनस बिल्कुल सही है दोनों चेक भी हो गया ये दोनों को मैं अलग से बाहर निकाल देता हूँ एक्स प्लस 5 मेरे पास बचेगा एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इसके बाद का आप कहानी पता ही है इसके बाद आप लिख लेना फिर है ना ठीक है उसको कर लेंगे फाइंड टू नंबर्स फाइंड करना है हुज सम इज 48 वो दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो 48 होगा अगर मेरा पहला नंबर 8 है तो दूसरा होगा 40 क्यों क्योंकि पहला 8 है दूसरा 40 अभी दो 48 होगा अगर मेरा पहला नंबर यहाँ पे 28 है तो दूसरा मेरा 20 होगा 20 और 28 48 होता है एंड प्रोडक्ट इज 432 पहले मुझे यहीं से क्लियर हो रहा है कि मेरे पास जो टू नंबर्स हैं हुज सम इज 48 है ना
मेरे दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद, सम करने के बाद 48 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर देखना, लेट द फर्स्ट नंबर बी इक्वल टू एक्स, देन द सेकेंड नंबर, जब भी ऐसा कंसेक्यूटिव अगर कुछ नहीं बोलता ना, अगर दो नंबर का सम दिया है, जब भी दो नंबर्स का सम दिया है ना, तो टोटल सम में से पहले नंबर को माइनस कर लेते हैं। जैसे मैं बताया ना, अगर मेरे पास टोटल 48 है, अगर पहला नंबर 8 है तो 48 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 40 आएगा। अगर मेरा पहला नंबर 28 है तो 48 में 28 माइनस करूंगा तो मेरा 20 आ जाएगा, सिंपल से है, ठीक है। अगर दो नंबर का सम मेरे पास ऑलरेडी है, ऐड है, दो सम ना जोड़ है हमारे पास टोटल इसका है, तो 48 में पहला माइनस करने के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसका प्रोडक्ट बोला है, ठीक है, दोनों का कितना प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे क्वेश्चन में दिया 432 दिया है, तो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ नहीं है, ब्रैकेट डाला है, मतलब मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है मेरा 432, दोनों का गुणा कितना है मेरे पास 432 है, ठीक है, गुणा इंग्लिश में प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब चलो सॉल्व करते हैं, x का 48 से मल्टीप्लाई करूँ तो 48x, x का माइनस x से करूँ तो एक्स एक्स टू टाइम्स हो गए तो x स्क्वायर इक्वल टू 432। अब सब उधर लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस में चाहिए रहता है, माइनस से भी सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, पर प्लस में रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये माइनस दूसरा जगह से क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं उसको उधर ही भेज रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस में, ये उधर जाएगा तो माइनस में, ये तो इधर ही है तो क्या है, प्लस 432, इधर कुछ भी नहीं बचा तो जीरो, तो इसको इधर लिख दिया मैं, ये उस साइड गया प्लस में, ये उस साइड गया तो माइनस में, ये प्लस का प्लस, ये दोनों हमारा उस साइड गया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, 48 है, 432 है, कुछ भी चीज़ें नहीं कटेंगे, ठीक है। अब इसको मैं 48 को स्प्लिट करूँगा, ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो हम लोग फार्मूला लेते हैं, ठीक है, मेरे लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, तो फार्मूला के जगह पे हम लोग लेते हैं, फार्मूला मेथड लेते हैं, तो फार्मूला मेथड के लिए हमको कंपेयर करना पड़ता है, ऑन कंपेयरिंग है ना, ए एक्स स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ए इक्वल टू होता है यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, कॉमा बी इक्वल टू होता है यहाँ पे -48 है तो -48, सी इक्वल टू है 432, तो आंसर इसमें भी बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको काट के स्प्लिट वाला मेथड ही बनाते हैं, स्प्लिट वाला ही छोटा पड़ेगा हमको, बनाते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 432 है, तो 1 और 432 दोनों प्लस में है, मल्टीप्लाई करो तो 432 आ जाएगा, इसको इससे इनटू कर रहे ना, यहाँ -48 है मेरा, मुझे आंसर प्लस में चाहिए, मुझे आंसर प्लस में चाहिए, तो माइनस है तो दोनों माइनस लूँगा, दोनों प्लस लूँगा, ऐसा है, तो माइनस है तो दोनों माइनस लूँगा, ए भी माइनस में, 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 ऐसा, ठीक है। अब जब दोनों साइन सेम है ना तो कम होता है, मैं पहले क्या था, मैं बढ़ाता था 42, 49, 50 ऐसा लेता था, अब कम करेंगे, 48 से कम करें तो 47 और ये 1, 46 और ये 2, 45 करेंगे तो ये 3, 44 करूँगा तो ये 4। चलो मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 47 आएगा, 47 मतलब 47, दो ठो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करता आ जाएगा 92, ये भी प्लस में है,
45 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 135, ये प्लस में इसके से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 नंबर 176। अभी बहुत दूर है तो एक काम करते, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल लेते हैं। जैसे 48 से मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 48 से 40 लिया, यहाँ लूँगा माइनस 8 क्योंकि दोनों ऐड करूँगा तो 48 आएगा। ट्राई करते हैं 8 इंटू 0 0 8 फोर द 32, अभी भी बहुत दूर है वो। तो यहाँ से दो कम करते हैं, इसमें दो बढ़ाऊँगा, ठीक है। ट्राई करके देखें, तो इस काम करते हैं, इसमें 5 कम करते हैं, इसमें 5 बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है। इसे 5 कम करो तो 35 आएगा, इसे 5 बढ़ाओ तो 13 आ जाएगा। चेक करके देखते हैं इसमें, चलो ट्राई करते हैं। 13 फाइव द 65 कैरी 6, 13 थ्री द 39 और 6 45 या 455 आया 432, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब इसे 36 लेके ट्राई कर सकते हैं हम लोग। 36 और यहाँ पे 12 सिक्स द 72, 2 कैरी 6 7, 12 थ्री द 36 और 7 43 आ गया आंसर। 36 और माइनस 12 में टूट गया, ये माइनस 36 माइनस 12, तो ये एक्स स्क्वायर है मेरा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 36 एक्स माइनस 12x, ठीक है, दोनों पार्ट में टूट गया, बचे प्लस 432 0, ठीक है। यहाँ सिंगल x है, यहाँ x पावर में 2 है, मतलब दो बार x है हमारे पास, x इंटू एक्स है, यहाँ 2x है, यहाँ सिंगल x है, यहाँ से सिंगल x निकाला मैंने तो सिंगल x बचा, यहाँ से x निकालूंगा तो क्या बचेगा, माइनस 36, यहाँ से x निकालूंगा तो माइनस 36 आ गया, एक्स माइनस 36 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे भी आएगा एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0। अब एक्स यहाँ आ गया तो क्या बचा, माइनस 12, माइनस 12 एक्स है, एक्स यहाँ आ चुका है तो क्या बचा, माइनस 12। अब एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 36 दिख रहा सेम, एक्स माइनस 36 को मैं अलग कर दिया, एक्स माइनस 36 को दोनों जो है उसको अलग कर दिया, क्या बचा, एक्स माइनस 12, ये दोनों सेम है, इसको मैंने अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आपको आता है बनाने, ठीक है, x माइनस 36 इक्वल टू 0, 36 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 36 ये माइनस हो जाएगा, x माइनस 12 है, सॉरी ना, x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, कुछ नहीं है, अब माइनस 12 हो जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर 36, दूसरा आंसर 12 है। तो हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे बताता हूँ मैं। हेंस नेचुरल नंबर्स विल बी 12 एंड 36, हमारा आंसर।